बताई भाई दुबई के हाल। अच्छा पहनी दुबई उतरनी एयरपोर्ट शारजा, पहनी दुबई उतरनी एयरपोर्ट शारजा, घर से लेके वहीनी 70,000 रुपया कर्जा, वो 5% पर। अच्छा, आज 6 महीना हो गए, 6 महीना हो गए, 40,000 रुपया भराइल बा। गांव में के लोग कहत हुई जे फलानवा के लड़का गोइल बा, पूरा रुपया छापत था दुबई में। दुबई में आए जे कुतवन के दासा बा, काहे हो कब हे जा कब हो जा, कब बेग उठावत हुआ जा कब हुआ जा, आ हर दिन भाई पोलोथीने में खाए के पड़ता। हां हां, पोलोथीने में खाए के पड़, प्लास्टिक में। हां, पोलोथीन में के जा। अच्छा, पोलोथीन में खाए के पड़ता। आप लिए का पोलोथीन, ये देखो सामान खरीदे हैं ले जाने के लिए भाई सुबह का लिए, ठीक है, क्या करेगा। अच्छा, और कोई समस्या तो कर्जा उर्जा भराइल हो कि ना? आप 40,000 भराइल बा मर दे, 6 महीना हो गई ना हमारा कमा, 40,000 रुपये भराइल बा, 5 रुपया पर बा। अच्छा, सैलरी कितना आ जाए? सैलरी का 700 रुपये सैलरी है बा, का कर 700 रुपये बा, उसमें कमाई 10 घंटा बहुत हमने का मुसीबत बा। गाँव के आदमी लोग कि दुबई में चल कर जब फलंदवा कर लेते तो बहुत पैसा कमा, लेकिन जौन चीज इंडिया में हमने मिल जाला तो चीज ऐसा ना मिलेला, जौन हमने के कमा ले इंडिया में तो ऐसा ना कमा ले। बहुत आदमी बावलो की कमातो बनो, लेकिन वो जगह पर लोग पहुंचल बना तो हम कमाता ना, हमने को जगह पर लेके जा पहुंचल तो लेके ना कमा पाओ। साथ में बना एक जना और दोस्त का कौन करे, का कौन। हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? मेरे हिसाब से सभी होंगे, ठीक ही होंगे। भाई इधर का एनवायरमेंट तो खैर है नहीं, पर कुछ ही ठीक है, सुनना 10%। और मेरे भाई मदद में इतनी सलाह देना चाहता हूँ कि अपने घर ही रहो तो काफी अच्छा है। आज के टाइम में जो है इतना इन्वेस्टमेंट करते हो फालतू का, तो इससे बेहतर तो अपने गाँव में भी बिजनेस कर सकते हो। खासतौर पर 1 लाख से कम से कम मरे से मरा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, किसी कंपनी में भी काम करते हैं। इम्पोर्ट मतलब के भाई प्रोडक्ट सेल आउट भी करते हो, सेलिंग भी करते हो गांव में जाके, तो फिर भी सही रहता है मेरे हिसाब से। कि इधर का इन्वायरमेंट मेरे हिसाब से पहले जैसा तो था नहीं, अब तो बेकूफी है जो इधर घूमेगा आएगा तो मेरे जैसे टाइम पास करेगा। गर्मी तो इतनी है ज्यादा, और मौसम भी बहुत कच्चा रहता है, कभी कभी गर्मी कभी कभी बारिश। और ये जो है मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि इंडिया के आदमी काफी ज्यादा आ चुके इधर, और यही सिलसिला चलता है कि इधर भाई इधर सैलरी नहीं मिलती, कंपनी में फंस गए और इतना रुपया लगा का है, सब रोते हैं, कोई खाने के पैसे बोलते हैं मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है मेरे भाइयों। ऐसा मत करो, अपने घर को देख कर चलो, उधर ही रहो। और हमारा भाई राजू भाई सप्लाई में भाई ये कुल दिक्कत ये अच्छा है बताया गलत है भाई, अपने घर को देखकर चलो।